हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन किए थे, कुछ एक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है, एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि भी कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू हैं जो इसको हमेशा सत्य रखें। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो हेयर वी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट ट्रू, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। थ्री इज ग्रेटर देन थ्री, इट इज रॉन्ग। थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, इट इज ट्रू। इसको हम बोलते हैं थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। और का मतलब होता है या, मतलब दो बातें बोली गई हैं, तीन या तो तीन के बराबर है या तीन से बड़ा है। तो या में क्या होता है कि एक भी सत्य हो जाए, जो दो बातें बोली गई हैं उनमें एक सत्य हो जाए और दूसरी असत्य है तो वो सत्य होता है। यही डिस्कस करेंगे, ये बातें हमें मिलेंगी। थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये भी ट्रू है। और देखो थ्री इज ग्रेटर देन टू, ये ट्रू है, तीन बड़ा होता है। यदि यहां भी इक्वल का साइन दे दूं मैं तो भी ट्रू है। ये बोला जाएगा थ्री इज ग्रेटर देन और, ये दो जो वर्ड हैं और एंड, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं बातों को यहां देखते हुए, जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि जीरो क्या करता है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में तोड़ देता है नंबर को। कि जीरो से बड़ा तो यहां तो जीरो से बड़े बड़े ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि भी ये पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। तो दो यदि माइनस का मैंने रख दिया तो वो तो दो जीरो हो गया। तो दो से बड़ी, यदि माइनस दो से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दूं इसमें, जैसे नंबर रियल लाइन जो हमारी छोटी क्लासेज में हमने सीखी है, जैसे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग ऑन दिस रियल नंबर लाइन, हेयर वी प्लॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, नियरली हेयर वी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन माइनस टू विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। जीरो रख दें तो भी बोलोगे सही बात मिलेगी, सत्य मिलेगी, टू इज ग्रेटर देन जीरो। माइनस वन रख दिया, यानी ऑल वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस टू, इफ वी पुट हेयर तो देन दिस इनइक्वालिटी विल बी ट्रू। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस विल बी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू। टू को इधर ही ले जा करके लिख दिया, एक तो ये उत्तर लिख दिया, एक दूसरा मैथमेटिकली क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी, ये भी हमने पिछले वीडियो में सिंबलाइज किया था कि इस प्रकार से भी ओपन इंटरवल डाल करके हम एक सेट को दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वो सारी वैल्यूज हमने लिखनी है। तो एक तो जैसे यहाँ लिख दी, लिख के बता दिया एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, या फिर एक बिलोंग का साइन होता है, ये पीछे डिस्कस हो लिया। तो एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग, वो एक्स माइनस दो नहीं है, वो अपन इंटरवल की विशेषता होती है ये। और इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक संकेत होता है बड़े नंबर का, वो बड़ा नंबर हम जानते ही नहीं है। तो x प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसका नंबर रियल लाइन के ऊपर हमने सोल्व करके या फिर यहाँ एल्जेब्रिकली सोल्व कर लिया। अब जैसे इक्वेशन की बात करी जाए, वैसे कुछ नहीं है चीज़ें भाई। जैसे बराबर जीरो के लिए तो सिर्फ x की वैल्यू एक ही है, जो इसको बराबर कर दे वो माइनस दो है, x बराबर माइनस दो। यहाँ एक्स की वैल्यू काफ़ी बहुत अधिक वैल्यू आई है। एक जैसे मान लिया इसी की बात बोले कि भाई ये क्या है एक्स प्लस टू, तो हम कहेंगे कि भाई जब इसको ग्राफिकली यदि समझना चाहें, जैसे मैं एक्स कुछ भी अपनी तरफ से डालूं, फिर बोले अभी क्या है एक्स, तो दसवीं तक हम सीख चुके हैं कि भाई ऑल रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि भाई क्या एक्स रखूं मैं जिससे इसका उत्तर आ जाए। तो कुछ भी रख दूं, रूट थ्री रख दूं, माइनस वन रख दिया जाए, जीरो रख दिया जाए, रूट फाइव रख दो, यानी एक्स में भी एक्स मे टेक एनी वैल्यू फॉर दिस होल विल बी डिफाइंड।
एक्स यहां मैं कुछ भी रख दूं तो कोई इनको उत्तर तो आएगा मेरा, और वो भी रियल ही आएगा, यू नहीं आएगा। देखो छोटी सी बात हमने पिछले वीडियो में फिर करी थी कि भी बटे में ये कहीं ना दिख जाए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है अपॉन में यदि जीरो आ जाए तो ये कोई नंबर नहीं होता, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। डिफाइन ही नहीं, इसकी डेफिनेशन नहीं है। जैसे पाँच है उसकी डेफिनेशन है, नंबर सिस्टम हम जानते हैं, छः है, सात है, पाँच भी छः से छोटा है, चार से बड़ा है, 5.1 से छोटा है, तभी तो इसकी पहचान हुई, तभी तो इसकी डिफाइन है ये। और 1/0 फिर आगे डिस्कस करेंगे कि ये डिफाइन नहीं है एक दो जगह, एक बार तो यहाँ इतना ही। तो x की वैल्यू कुछ भी रख दें जो रियल नंबर हम जानते हैं, उससे ये वैल्यू इसकी निकलेगी। तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए, इसको y के बराबर मान लेते हैं। जैसे दसवीं में हमने स्ट्रेट लाइन खींचा था, x की वैल्यू डाली, y हमें मिलता गया, तीन एक टेबल तैयार किया था, उस टेबल के द्वारा हमने वैल्यूज x और y के अलग अलग डाल करके और फिर ग्राफिकली ध्यान हो हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया था। तो वहाँ से एक्स और वाई का मतलब क्या होता है कि भी एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कोई वैल्यू ली और वाई उसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू कितनी आती है वो, और दोनों मिलकर के एक पॉइंट पूरा करते हैं ये। एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। या फिर एलजेब्रा में यदि हम देखें इसको, नौवीं आठवीं में तुम्हें पढ़ा हो, ये पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल को हम डिफाइन करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भी x डालते जाओ तुम्हें y मिलती जाएगी, जैसे मैंने इसको y के बराबर माना है, तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा कि भी एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी। वो जो तीन बिंदु हम रखें, जैसे x बराबर जीरो रख दिया तो y की वैल्यू दो दिखाई देगी, y बराबर दो, एक्स बराबर y बराबर जीरो रखा तो x बराबर माइनस दो, हेयर दिस पॉइंट प्लॉटिंग दिस पॉइंट, दिस पॉइंट अनदर वी कैन टेक वैल्यू x इज इक्वल टू लेट वन, तो y विल बी थ्री, तो नाउ ज्वाइनिंग दीज थ्री पॉइंट्स वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इफ दिस ऑब्जर्व और कंसीडर दिस एक्सप्रेशन, लेट दिस अगेन y, तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, फर्स्ट पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में आएंगे। देखो धीरे धीरे हमने तीन तरह से इसकी बात करी थी कि भी x प्लस टू कुछ भी है, अकेला x, जैसे इसको हम करें कि भी एक्सप्रेशन है, इसको हम सीधी सी भाषा में पढ़ें कि भी कुछ समान पड़ा है, जैसे x प्लस टू नाम का बाहर कोई कह दे कि भी समान को उठा के लाओ, तो उठाने वाला जो जाएगा वो पूछेगा कि उस समान में वजन कितना है, तो हम कहेंगे भी तेरे हिसाब से वजन पूरा कर लेना, एक्स की वैल्यू डाल लेनी है। तो जैसे वो डालेगा x बराबर जीरो, x बराबर कुछ भी डाल दे, वेरी करता है यहाँ सारा ये वैल्यू। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये जमा या पॉजिटिव पॉजिटिव कब रहे, एक बराबर जीरो किया तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू x की आई। अब नाउ वी कंसीडर दीज लीनियर प्रोडक्ट, लीनियर पॉलीनोमियल भी बोलते हैं इनको, तो लीनियर प्रोडक्ट में कंसीडर या इसको कंसीडर किया हमने, फर्स्टली वी इक्वेट दिस जीरो, तो वाट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस होल विल बी जीरो। इन टेंथ क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, आइदर एक्स इज इक्वल टू टू विल मेक दिस होल जीरो, और एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू फाइव, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन। इन इक्वेशन हेयर वी कंसिडर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस विल बी ट्रू, तो ना वी कंसिडर। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम नंबर रियल लाइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं कि ये जो जीरोज हैं ना इसके, या रूट भी बोलते हैं, उनको हमने पुट किया था एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू फाइव। यदि पाँच से बड़ा यदि मैं इसमें कुछ भी रख दूँ तो ये बोला था भी हमेशा पॉजिटिव आएगा ये। पाँच और दो के बीच में, क्योंकि यहाँ तुम प्रैक्टिकली देख भी सकते हो रख के, जैसे मैंने छः रख दिया तो पाँच से बड़ा इसी में रखूँगा तो ये तो पॉजिटिव होना ही होना है, क्योंकि पाँच पर ये जीरो है, पाँच से बड़े के लिए पॉजिटिव आएगा। और ये तो पहले से ही बोलेगा कि भाई मैं तो बड़ा ही हूँ, पॉजिटिव होना ही होना हूँ मैं तो,
क्योंकि पांच से छोटा है दो, तो इफ वी पुट फाइव इन होल एक्सप्रेशन तो दिस विल बी पॉजिटिव. इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव दिस होल विल बी जीरो. इफ वी पुट एक्स इज लेस देन फाइव एंड ग्रेटर देन टू, यानी दो और पांच के बीच में कोई वैल्यू डाल दी जाए तो क्या होने वाला है, दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि पांच से छोटी वैल्यू डालिए ते ही ये सारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पांच से छोटे यहां वैल्यू डली, पांच से आगे के लिए अकेले की बात चल रही है. और दो से यदि वो वैल्यू बड़ी है और पांच से छोटी है, इसके बीच में ये इंटरवल है एक्स की वैल्यूज का, इसमें से उठा करके कोई भी वैल्यू डाल दी तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव होगा, पक्की बात है. तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो कहने का मतलब ये है कि नंबर रियल लाइन के ऊपर इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखाई दे तो यहाँ हमेशा प्लस डाल लेना है, या फिर माइनस और फिर प्लस. क्यों प्लस? दो से छोटे के लिए वैल्यू डालोगे तो ये तो नेगेटिव पहले ही बोल रहा है कि पांच से छोटी तो हमेशा नेगेटिव. अब ये दो से बड़े के लिए तो पॉजिटिव था, दो पर ये जीरो हो जाता है, दो से छोटे के लिए फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. तो हम यहाँ सीधा ही एक्स की वैल्यूज बता सकते हैं इसके लिए कि भाई ये सारा जीरो से छोटा कब आएगा, जब दो और पांच के बीच में वैल्यू आए. ठीक है ना, तो इसका उत्तर हमने बता दिया कि भाई एक्स बिलोंग्स टू और ओपन इंटरवल, क्योंकि दो और पांच तो लेना नहीं है हमने, टू और फाइव के बीच में जो वैल्यूज लाई करती हैं वो इसके लिए सही हैं, यानी इनइक्वलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी. जैसे तुमने दसवीं में ध्यान हो जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे तुमने सोल्व करे हो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन था दसवीं में, उसमें पूछ लिया कि व्हाट वैल्यू ऑफ बी फॉर रियल सॉल्यूशन, व्हाट इज बी फॉर रियल सॉल्यूशन. जैसे दसवीं में तुमने गहराई से सीखा हो तो थोड़ा सा ये कि भी इसके दो रूट तो होते हैं, वो रियल हैं, रियल में हम जानते हैं कि भी डिस्टिंक्ट भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, वो रियल होते हैं. एक और भी बात आती है जो इमेजेंद्री होती है, वो हम डिस्कस प्लस यहीं करेंगे. तो यहाँ हम कहेंगे भी फॉर रियल रूट्स डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, फॉर रियल रूट्स डी मस्ट बी ग्रेटर, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. व्हाट इज डी, यह भी डिस्कस करेंगे भी डी क्यों जीरो या जीरो से बड़ा होता है. तो डी मीन्स एक्स का कोफिशियंट जो है उसका स्केयर, यानी बी स्केयर माइनस फोर ए सी लिखें तो माइनस बी होल स्केयर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू फोर माइनस फोर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो ऑन सॉल्विंग वी हैव बी स्केयर प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये इनइक्वलिटी आई है हमारे पास, यानी एक एक्सप्रेशन बन के आ गया जैसे ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे. अब इसके बारे में कोई पूछे कि भी बी बताइए क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, न तो इसके फैक्टर हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है इसको फैक्टराइज कर दें. क्यों नहीं होगा इसका फैक्टराइज, ये थोड़ा सा आगे वाले और गहराई से पढ़ेंगे. क्योंकि हम देखें यहाँ बी स्केयर क्या है, बी कोई रियल नंबर है, कोई न कोई हमने जो छोटी क्लासेज में पढ़ा है कोई न कोई तो नंबर होएगा, कोई भी हो सकता है भाई, उसका स्केयर किया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. और प्लस 16 यानी प्लस का ही जोड़ दिया तो प्लस प्लस मीन्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, कभी भी ये जीरो भी नहीं होगा क्योंकि 16 है, 16 मान लिया बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो 16 तो फिर भी है ये, और यदि बी की जगह और जीरो के बिना और कुछ रखोगे जैसे माइनस टू रख दिया तो माइनस टू का स्केयर हमारा फोर हो जाएगा, तो फोर प्लस 16 20 हो गया, यानी ये वैल्यू जो ये एक्सप्रेशन है ये 16 या 16 से तो बड़ा होना ही है, पक्की बात है. बी चाहे कुछ भी रख दो, बी की जगह कुछ भी रख दें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो हमेशा सत्य है, यानी
मैं ऊपर प्रश्न में पूछा क्या था, व्हाट इज बी, व्हाट वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो एनी बी चाहे कुछ भी रख के देख लो। तो यहाँ बी की जगह मैं 100 रख दूं, 1000 रख दूं, माइनस में 5 रख दूं, माइनस का 70 रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो मैं इसी को यूज करके यहाँ मान लिया मैंने प्लस ले लिया, अब देखो क्वेश्चन बदलेगा। तो प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस 4 ए सी जब हमने डाला तो या नेगेटिव साइन को हटाते हैं तो माइनस 16, तो बी स्केयर यहाँ फैक्टराइज करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो फार्मूला है वो लगाएं, बी माइनस 4 इंटू बी प्लस 4, दिस ऑल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं बी की जगह एक मिनट के लिए एक्स रख लूँ, जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो यहाँ यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में आया था ग्रेटर देन इक्वल भी ले सकते हैं हम, जैसे इसमें लेस देन लिया, तो इसमें तुरंत ही क्या हम बी की वैल्यू सीधा आंसर के रूप में बता सकते हैं? तो देखो नंबर रियल लाइन के ऊपर गए, सबसे पहले इनको जीरो बनाने वाले कौन कौन हैं, या जीरोज या रूट बोल दें, तो रूट का मीन्स बी इज इक्वल टू 4, इफ वी पुट दिस वॉल विल बी जीरो, माइनस 4 विल मेक दिस जीरो, दीज आर द रूट्स। तो नाउ वी प्लॉट दीज नंबर्स ऑन नंबर रियल लाइन, माइनस 4 इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस 4 फर्स्टली वी राइट हेयर एंड द नंबर दिस इज ग्रेटर देन टू दिस वी गेट वी राइट हेयर 4। एज अर्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल और नंबर रियल लाइन वी हैव द नंबर्स ग्रेटर देन 4 वी अप्लाई हेयर पॉजिटिव साइन, हेयर वी अप्लाई नेगेटिव साइन, हेयर वी प्लॉट पॉजिटिव साइन। नाउ वी कंसिडर दिस इनइक्वालिटी और स्टडी दिस इनइक्वालिटी, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लीनियर फैक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस होल मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ वी ऑब्जर्व द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव हेयर पॉजिटिव, तो डायरेक्टली वी राइट द आंसर, द वैल्यूज ऑफ बी आइदर ग्रेटर देन 4 और इक्वल 4 ड्यू टू दिस इक्वल साइन, 4 इक्वल, इफ वी पुट बी इज इक्वल टू 4 दिस होल विल बी 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन और इक्वल 0, विच इज ट्रू। इफ वी पुट बी इज इक्वल टू 5 दिस विल बी पॉजिटिव, 6 एंड सो ऑन, एंड द वैल्यूज विच आर लेस देन माइनस 4 और माइनस 4, तो देन दिस होल स्टेटमेंट, दिस होल इनइक्वालिटी विल बी ट्रू, बिकॉज ड्यू टू माइनस 4 दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेयर पुटिंग माइनस 4 एंड 4, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, तो द नंबर्स विच विल बी पॉजिटिव इफ वी प्लॉट द नंबर्स विच आर लेस देन माइनस 4, एंड इफ वी पुट माइनस 4 दिस विल बी 0, तो सो द होल वैल्यूज ऑफ बी आर ऑब्टेंड एज बी बिलोंग्स टू, फर्स्टली वी राइट दिस नंबर्स, दिस नंबर्स विल बी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, ओपन इंटरवल यूनियन, ये बता चुके हैं हम पहले वीडियो में कि इसका मतलब होता है जोड़ दो सारे, मैथमेटिकली जोड़ने का एक सिंबल होता है यूनियन बोलते हैं हम, सेट पीछे सीख लिया और नौवीं दसवीं में या फिर पहले वीडियो में डिस्कस हो लिया है, चार या चार से बड़ा, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि भाई यहाँ हम क्लोज का निशान लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, क्योंकि चार भी चलेगा, कोई भी बी की वैल्यू छोड़नी नहीं है हमने जो इसको संतुष्ट कर दे। नाउ वी एड दिस इंटरवल, तो दिस इंटरवल विल बी 4 इज इनक्लूसिव अप टू प्लस इन्फिनिटी, यानी दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4 एज वेल एज 4, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, दसवीं में तुमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से किया था, ध्यान हो कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तुमने केस बनाए होंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी करे होंगे तुमने, यहाँ कुछ भी के होगा शायद वहाँ, वट इज के फॉर विच दिस इज हैज रियल रूट्स, या यूँ था कि भाई
इट एज रियल रूट्स एज वेल एज इक्वल रूट्स, तो वहां तो डी तुमने बराबर जीरो ही कर दिया था कि के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो वहां के की वैल्यू दो ही आई थी, माइनस चार और चार। तो माइनस चार यदि यहां रख दें या प्लस चार यहां रख दें तो तुम्हारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो दो एक्स ही आएंगी, दो और माइनस दो के रूप में, मतलब दो बराबर वैल्यू आना। रियल रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो के की वैल्यू चार रख देंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस फोर, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मीन्स एक्स की दो वैल्यू एक सेम आ गई, एक्स बराबर टू टू। और यदि प्लस फोर रख दें तो ये माइनस बदल जाएगा चिन्ह, के की वैल्यू चार रखी तो माइनस एज इट इज रहा, के की वैल्यू माइनस चार रखी तो यहाँ प्लस चार हो गया। तो वहाँ डी, वहाँ तो सीधी इक्वेशन थी, तो इनइक्वलिटी में ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन में ये सारी यही चीजें चल रही हैं, यदि इस क्वेश्चन में यूं ही बोल दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स मीन्स डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, तो दैट मीन्स दिस इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो फ्रॉम दिस वी हैव टू लीनियर फैक्टर्स बी माइनस फोर बी प्लस फोर, तो दैट मीन्स बी विल लाई बिटवीन माइनस फोर एंड फोर। दिस इज, इसको वेवी डायग्राम बोलते हैं या लाइन मेथड भी बोल लेते हैं। तो माइनस चार और चार के बीच में लेस देन, ये देखो लेस देन जीरो नेगेटिव, दिस विल बी मतलब ये नेगेटिव कब हो सकता है, तभी हम जीरो से छोटा बोलते हैं उसको। तो माइनस चार और चार के बीच में वैल्यू डाल दें, माइनस चार और चार नहीं रखनी है क्योंकि वो तो जीरो कर देगी, इक्वल का साइन नहीं है। समझ में आया होगा। तो कितने सारे हम, अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, तो फिर एक बार रिवाइज कर लें। ये इक्वेशन है, इसमें दो ही वैल्यू एक्स की हैं जो इसको संतुष्ट कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ हमारी जो इनइक्वलिटी थी इसको देखते ही हम कह देंगे भी एक्स की वैल्यू दो और पाँच के बीच में लाई कर रही हैं क्योंकि लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है तो पाँच से बड़ी वैल्यू सारी आ जाएंगी और दो से छोटी वैल्यू सारी आ जाएंगी। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू, हेयर टू इज नॉट इन्वॉल्व सो वी अप्लाई दिस सिंबल यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो दिस होल वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन बी सीन इन दिस इंटरवल दिस और दिस, This is also called or union, या ये या दोनों, union का मतलब होता है दोनों भी या सारे का सारा जुड़ के बनना ये interval। तो ये सारी values x की इसको satisfy करेंगी यदि greater than zero है तो, less than के लिए तो two और पाँच के बीच में, यदि यहाँ greater than है तो हम direct उत्तर ये बता देंगे। डाल के देख लो चाहे भी, तो जमा का कब ये पॉजिटिव कब दिखाई देगा, जब डाल के देख सकते हैं वैल्यू हम कोई भी इनमें से उठा के। इक्वल का यदि साइन है तो इनको बराबर ले लो, पांच भी रखेंगे दो भी रखेंगे तो बराबर भी आ गया और अन्य वैल्यू जो इंटरवल की हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इक्वेशन की बात कर ली हमने, इसकी भी कर ली, अब इस पर आते हैं। एक बार इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, पूरा खोल के समझेंगे। एक बार मैं इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x माइनस टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री, चलो एक होल स्क्वायर ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, सारा प्रोडक्ट में होना चाहिए, एक्स प्लस थ्री होल क्यूब, और कह दिया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हाट इज एक्स। तो सिर्फ वही हमने विधि अप्लाई करनी है जो अभी अभी हमने डिस्कस करी थी कि भाई सबसे बड़ा रूट इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि कितने रूट हैं इसके, रूट का मतलब जो जीरो या जीरोज बोल दें, हमने इसी इसको कंसीडर करना है पहले। जैसे एक्स बराबर दो, चलो आसानी के लिए इसको फ्रैक्शन ना दो, एक्स माइनस एक तो दो है इस सारे को जीरो बना देगा, एक है वो भी इसका रूट है सारे का, एक्स स्केयर ये कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि इसी प्रकार की फॉर्म आ गई है जो अभी प्लस में आया था,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फोर को समझो कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज दिस कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये चार या चार से बड़ी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो है ही पॉजिटिव, ये कभी अपना साइन नहीं बदल के देगा। नंबर रियल लाइन पर देखेंगे जब एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये भी ध्यान से देखो तो हमेशा पॉजिटिव है। होल स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो और ग्रेटर देन जीरो। जैसे एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा, वरना ये जीरो से बड़ा ही होगा, यानी पॉजिटिव एज वेल एज जीरो। नीचे यहाँ स्क्वायर फिर पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर्ड नंबर है। एक्स प्लस थ्री होल क्यूब ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं एक्स की वैल्यू यदि मैं मान लिया माइनस चार रख दूँ तो माइनस एक का होल क्यूब तो माइनस वन, माइनस वन की तीन बार मल्टीप्लाई हुई है। तो इन सारे जो मैंने रूट्स देख लिए हैं यानी या जीरोज देख लिए हैं, उनको मैंने नंबर रियल लाइन के ऊपर, नंबर रियल लाइन के ऊपर प्लॉट किया। और जो हमारे पास जीरोज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं वो प्लॉट करते हैं। जैसे एक्स लार्जर नंबर कौन सा दिखाई दिया हमें, टू, एक दो से छोटा है, माइनस तीन छोटा है, यहाँ से तो हमें नंबर मिला ही नहीं प्लॉट करने के लिए, क्योंकि ये जीरो थोड़ी बन रहा है, मतलब दो इसको जीरो बना रहा है, जीरो है उसकी रूट है, इसका वन रूट है, इसका रूट ही नहीं है, ये इसका माइनस थ्री है तो जीरो जरूर बना रहा है, प्लॉट करेंगे। यहाँ भी एक्स माइनस थ्री, वैसे काटना चाहो तो काट दो, थोड़ा बदल लेते हैं इसको, एक्स प्लस वन ले लिया मान लिया। तो लार्जर या स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है इस सारे एक्सप्रेशन को, इसको भूल जाओ बाद में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें तो माइनस तीन सबसे छोटा है, तो माइनस तीन प्लॉट कर दिया। उसके बाद माइनस वन की बारी आई, रख लिया। फिर उसके बाद ये कह भाई ये भी जीरो है, वैसे हम जानते हैं अपॉन में कभी जीरो नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। तो चलो एक बार हमने जीरो रख लिया, माइनस वन से ये जीरो बन रहा था, एक्स बराबर जीरो से ये जीरो है। अब उसके बाद बारी आई है एक, ठीक है भाई, एक और ये दो, तो इतने सारे मेरे पास इस एक्सप्रेशन के रूट हैं, यानी ये जीरो बनाने की संभावना है या जीरो के नज़दीक जाने की। जैसे जीरो और एक के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे मैं माइनस तीन डाल दूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, माइनस एक डाल दूँ सारा जीरो हो जाएगा, तो माइनस एक तो इसकी वजह से है, जीरो डाल दूँ, जीरो डालनी नहीं है, नियरली डालते हैं, मतलब जीरो बनने की जहाँ जहाँ भी विशेषताएँ हैं देखी जाएँ, करेक्टरिस्टिक्स, या छोड़ दो इन बातों को, डिस्कस बाद में करेंगे। वन से, क्योंकि कोई भी नंबर यदि जीरो बनता है तो न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तभी जीरो हो सकता है, वरना जीरो होता ही नहीं है। जैसे मान लिया कोई पाँच बटे चार है, कोई कहे कि भी जीरो कब हो सकता है, जब इसको ऊपरी भाग से मल्टीप्लाई करें, जैसे एक्स माइनस टू अपॉन कुछ भी रख दूँ नीचे में एक्स से प्लस फाइव, और कह दिया कि इसको इसका उत्तर जीरो आएगा, तो एक्स को तो दो ही होना पड़ेगा, एक्स बराबर माइनस पाँच नहीं हो सकता, या एक्स नीचे वाले से कभी जीरो बनती नहीं है। जीरो यदि उत्तर आता है तो ऊपर वाला भाग ही हमेशा जीरो बना के देगा, जैसे एक्स इज इक्वल टू टू रखने पर। तो वही बात इसमें, तो फ्रॉम द गिवन इनइक्वालिटी वी प्लॉट द नंबर्स विच इंडिकेट्स नियरली रूट्स इन डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर, सो द लार्जर इज टू, तो हेयर वी प्लॉट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ लेस देन टू, तो एक बार ढूंढो टू से, टू से यदि मैं छोटा रखता हूँ तो ये साइन बदलता है, पक्की बात, चिन्ह बदल के देगा। दो से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, दो पर ये जीरो हो गया, और दो से छोटे के लिए नेगेटिव आ गया। अब दो से छोटा कौन है, एक, एक है, तो एक और दो के बीच में पक्की बात है कि नेगेटिव साइन ले लेगा ये सारा, समझ में आ रही है बात भाई। फिर क्योंकि एक ही जगह नेगेटिव कहाँ आने वाली है, ये नेगेटिव देगा, बाकी सारे पॉजिटिव आंसर देंगे, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, अभी इसकी बात नहीं देखनी है मैंने, मैंने तो सारा एक्सप्लेन कर लिया कि भी क्या होने हो रहा है इसका नेगेटिव। फिर हम एक एक ये रहा, एक से एक पीछे आएंगे तो एक तो ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव, क्योंकि ये भी साइन चेंज करके देगा,
क्योंकि एक्स की वैल्यू एक से बड़ी है तो पॉजिटिव है, एक पर ये जीरो है, सारे को जीरो कर देगा। एक से छोटी वैल्यू आएगी तो वो इसको नेगेटिव कर देगी, ये नेगेटिव और ये पहले से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो सो हेयर बी प्लॉट पॉजिटिव साइन। नाउ वी कंसीडर जीरो, हेयर जीरो, एक्स स्क्वायर। अब जीरो से यदि छोटे आएंगे तो ये जो है ये साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्केल्ड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि मैं एक्स से थोड़ा सा बड़ा, ये देखो एक्स से बड़ी यदि यहाँ वैल्यू डालता तो ये पॉजिटिव था, जीरो से छोटी वैल्यू डाल दूँ तो भी मेरा ये पॉजिटिव रहता, क्योंकि जो उसकी खुद सराउंडिंग है ना, जैसे ये दो पर चेंज होना, दो से बड़ा दो से छोटा, तो इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि फिर कंसीडर करो एक एक फैक्टर को, दो से छोटे के लिए ये नेगेटिव, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भाई जीरो के हर बार की बात देख रहे हैं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो आगे गया, क्योंकि एक्स माइनस वन तो बहुत पीछे है। मैंने कहने का मतलब यही है कि दो हमारी जो वैल्यूज हैं उनकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पहले आ चुका है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ साइन नहीं बदलेगा, समझ में आया ये। फिर आगे बढ़ते हैं, नाउ वी कंसीडर माइनस वन, दो द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन माइनस वन, वी हैव दिस सिंबल दिस साइन। नाउ वी प्लॉट माइनस वन, इफ वी पुट माइनस वन दिस विल बी अनडिफाइंड, तो सो वी कैन नॉट पुट माइनस वन बिकॉज हेयर वी हैव लर्नड अबाउट दिस, दिस विल बी जीरो, रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूमरेटर नॉट फ्रॉम डेनोमिनेटर, तो सो बट साइन कैन बी चेंज्ड, इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर लेस देन माइनस वन, इफ वी ग्रेटर देन वी हैव द साइन, लेस देन द साइन विल बी चेंज्ड हेयर, तो अगेन वी पुट चेंजिंग साइन दैट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ वी कंसीडर माइनस थ्री, माइनस थ्री विल मेक दिस जीरो, बट द पावर टू इंडिकेट्स दिस विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो सो नो साइन विल बी चेंज्ड, सो वी अप्लाई दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो हेयर एंड इन सराउंडिंग माइनस थ्री नो चेंज ऑफ द साइन, मे बी डायग्राम इंडिकेट्स हेयर। तो नाउ वी ऑब्जर्व दीज सिंबल्स एंड दिस, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो नाउ वी ऑब्जर्व और ऑब्जर्व पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स दिस होल इज पॉजिटिव, दिस होल इज पॉजिटिव। नाउ वी राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एक्स बिलोंग्स टू, तो फर्स्टली वी राइट दिस माइनस वन, माइनस वन विल बी इन्वॉल्व और नॉट, वेयर इज माइनस, माइनस वन, माइनस वन इज इन डेनोमिनेटर, दिस इज मेकिंग जीरो, सो वी नेग्लेक्ट माइनस वन, वैल्यू ऑफ माइनस वन, तो सो वी अप्लाई ओपन इंटरवल माइनस वन टू जीरो, जीरो इज वी फाइंड इन डेनोमिनेटर, ड्यू टू दिस जीरो दिस विल बी अनडिफाइंड, सो वी हैव नॉट जीरो, ओपन इंटरवल अगेन वी अप्लाई दिस साइन जीरो टू वन, जीरो इज नॉट इन्वॉल्व, वन इज इन्वॉल्व ड्यू टू दिस इक्वल साइन, तो सो वी हैव दिस सिंबल, तो दिस इंटरवल इज रिटन, और वी कैन से द वैल्यूज ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। नाउ वी राइट दिस इंटरवल इज टू इज देयर और नॉट, सो वी ऑब्जर्व द इनइक्वालिटी, टू एक्स माइनस टू इज न्यूमरेटर, एक्स इज इक्वल टू टू विल मेक होल जीरो, तो सो वी इन्वॉल्व टू, टू टू इन्फिनिटी, दिस इज इंटरवल इन्वॉल्व दिस, दैट मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में लिया, इसके सारे के सारे में हमने एक्स की वैल्यू तुरंत ही देख करके बता दी बिना सॉल्व किए। हमने इसको दसवीं में जब डिस्कस किया था वही बातें आई थी, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें, जैसे दसवीं का क्वेश्चन था एक, उसको किस तरह से करवाया था, यही दोबारा मैं रिपीट करूँ,
बोल दिया कि भी रियल रूट के लिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया नंबर रियल लाइन के द्वारा। वहाँ क्या किया था, बातें वही थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि दिस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, तो या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या दोनों नेगेटिव हो, माइनस माइनस। तो यहाँ दो केस के द्वारा तुम्हें समझाया था, केस नंबर वन बी माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये देखो यहाँ मैं एंड यूज कर रहा हूँ, बी प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एंड का मतलब होता है ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, दोनों एक समय पर होना बड़ा जरूरी है। और में क्या होता है कि और में एक समय पर एक मिल जाए दूसरा ना मिले, या दूसरा मिल जाए पहला ना मिले, या दोनों मिल जाए, वहां हम और यूज करते हैं, यहां एंड लगाएंगे, ये भी एंड ये भी। तो यहां से हम बी की वैल्यू क्या बोला, चार से बड़ी हो, और यहां बी की वैल्यू माइनस चार से बड़ी हो। तो क्या कोई ऐसा है हमारे पास नंबर जो बोल दें कि भी चार से बड़ा, चार के बराबर या चार से बड़ा, या चार से माइनस चार से बड़ा और उसके बराबर, है कोई नंबर रियल लाइन के ऊपर? जैसे हम बोलें माइनस चार और ये चार, इस पहले वाले ने बोला कि भी चार या चार से बड़ी ये सारी संख्याएं हैं, दूसरे वाला क्या बोल रहा है, माइनस चार के बराबर या उससे बड़ी सारी संख्याएं मेरे पास आ गई, आनी चाहिए, इनमें साझा कौन सी आई? दोनों में एंड का मतलब दोनों कहां संतुष्ट करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं ये मान लेंगे दोनों। ये क्या बोल रहा है कि भी बी, जैसे एक स्टूडेंट है वो बोला कि मेरे पास ऐसा एक नंबर है जो चार या चार से बड़ा है, दूसरा बोलता है कि भी हमारे पास साझे कैसे कितने नंबर आ जाएंगे, दूसरा बोला कि माइनस चार या माइनस चार से बड़े सारे नंबर मेरे पास हैं, तो उनमें कॉमन वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी, चार या चार से बड़ी। तो यहाँ से हमने बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक तो आंसर ये बताया था जैसे कि यहाँ आ भी रहा है फोर इज टू इन्फिनिटी, एक तो केस ये बनाया था। केस नंबर टू के भी बी माइनस फोर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो और एंड, ये भी साथ, क्योंकि ये भी नेगेटिव होना बड़ा जरूरी है और ये भी दोनों, ये नहीं चलेगा बी नेगेटिव और ये पॉजिटिव है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, या तो दोनों पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, तो इसलिए मैं एंड का एक ये दिया सिंबल। तो बी प्लस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हेयर वी फाइंड बी इज लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ से बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। तो क्या कोई वैल्यू ऐसी है इनमें जो साझा है, वो तो चार या चार से छोटा होना शुरू हो गया, ये माइनस चार से के बराबर या उससे छोटा, तो माइनस चार तो ये भी तो है, यहाँ भी मिल के आएगा, तो यहाँ कहेंगे बी बिलोंग्स टू माइनस फोर टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हमने वही बात यहाँ भी लिखी है, वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इंटरवल को हमेशा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर, ये जो वैल्यूज हैं, तो देखो ये हमने इस प्रकार से दसवीं में डिस्कस किया था इनइक्वालिटी को, हम यहाँ इस डायग्राम के द्वारा सीधा बता सकते हैं कोई इनइक्वालिटी हमें दिख जाए, हाँ जीरो बन रहा हो, जीरो बनता दिखाई देगा, कोई भी पावर 10 हो, 17 हो, 18 हो, हम क्वाड्रेटिक की भी बात करेंगे। जैसे दसवीं में तुमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था, उसका क्या तात्पर्य था, वो भी हमें इस प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए बड़ा जल्दी आंसर देता है। तो समझ में आ गए भाई, ये अपने आप कुछ क्वेश्चन बना करके घर पर डिस्कस करने हैं, इस प्रकार के फैक्टर होने बड़े जरूरी हैं। एक अब छोटा सा एक जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस कर लें कि भी पॉलीनोमियल क्या होती है, जैसे नोमी से हम पढ़ते आए हैं पॉलीनोमियल यानी पी एक्स, जैसे नोटेशन इज ए पॉलीनोमियल, जैसे हम कोई भी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जैसे ये लिख दिया, क्या ये पॉलीनोमियल है, क्या डेफिनेशन है पॉलीनोमियल की? तो पॉलीनोमियल में एक जनरली या एक साधारण सा एक, जैसे दसवीं में हमने एक डिस्कशन किया था पी एक्स बर इज इक्वल टू ए एक्स केयर
प्लस बी एक्स प्लस सी बार बार काफ़ी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं, जैसे एक वाई या मैं बोल दूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या जिसको हम वाई के बराबर भी बोल लेते हैं, ये भी पॉलीनोमियल है। या जैसे मैंने मिक्स करके एक एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स क्यूब और कह दिया कि भाई क्या ये भी पॉलीनोमियल है, मैं किस कैसे लिखूँ इसको। तो ये तो सबसे पहले जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जैसे क्यूआर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई ट्राइंगल क्या है, तो हम बोलते हैं कि भाई तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम ट्राइंगल बोल लेते हैं। वहाँ विशेषताएं आती हैं कि दो का जोड़ लंबाइयों का तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ट्राइंगल बन जाएगी। फिर विशेष प्रकार की ट्राइंगल आती है, उसी प्रकार ट्राइंगल जैसे आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल है, स्केलेंस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल के पर आधारित देखें दो, तो उसी प्रकार की बात एल्जेब्रा में भी है। ये कोई कहेगी भी ये क्या लिख दिया ये एक्सप्रेशन, तो जिसमें एक्स और वाई मिक्स होकर के आ जाएं उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन बोल दिया इसको, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ में आया। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पर्टिकुलरली केसेस में बांटा, जैसे रैशनल, तो उस मतलब तुरंत बाद ये आया कि पॉलीनोमियल बनाया उन्होंने, तो पॉलीनोमियल क्या आया, क्या कहा पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या आई कि भाई वो ऐसा एक्सप्रेशन तुम लिख के दिखा दो जिसमें एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट है वो कॉन्स्टेंट होना बड़ा जरूरी है। जैसे यहां मैंने इसमें वाई डाल दिया तो वाई तो जीरो भी हो सकती है क्योंकि वाई यहां वेरी कर रही है, यहां वाई स्केयर खुद सही है वाई वाई में, मतलब एक्स और वाई की यहां प्रोडक्ट होना, यहां भी देखो वही गड़बड़ आ गई। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता पांच एक्स, अब ये पांच जीरो थोड़ी है, पांच तो पांच है, तो ये जैसे मैं मान लिया इसको वाई के बराबर का, बोला कि एक्स का कोफिशियंट क्या है, बोल दिया कि एक्स का कोफिशियंट तो नॉन जीरो है, ठीक है भाई। एक तो ये बात आई, फिर इसके ऊपर जो पावर है, जैसे मैं मान लिया इस प्रकार की एक्सप्रेशन इसमें और ऐड कर दिया, बोल दिया कि दिस होल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जैसे स्क्वायर रूट का साइन आ गया, तो मतलब कई जगह के हर जगह हम जो थ्योरम बनाते हैं उन थ्योरम में एक ऐसा आम सूत्र ढूंढ लेते हैं जो हमेशा काम में आए, थोड़े से दायरे में चले। तो यहाँ हमने इस भाग को भी हटा दिया कि रूट वगैरह से हट जाओ, हमें इसके ऊपर पावर जो है वो कंप्लीट चाहिए, पूरी पूरी इंटीजर के रूप में पावर दे दे, जैसे दो तीन चार, जीरो भी क्या चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जैसे 5 इंटू एक्स रेज टू पावर, इसको हम कहेंगे भी वाई बराबर पाँच, तो ये भी पॉलीनोमियल है, समझ में आया। तो मैंने जनरली एक पॉलीनोमियल की फॉर्म लिखी ए नोट एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस 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 ए एन एक्स रेज टू पावर, या खाली छोड़ दो कॉन्स्टेंट हो सकती है क्योंकि एक्स घटते घटते पावर के रूप में चल रहा है। जैसे मैं एक्स एन की जगह 10 ले लूँ तो 10 है या 9 आया, यहाँ 8 आया, ठीक है। ए वन ए नोट ए वन ए टू ये कॉन्स्टेंट हैं, ये जीरो नहीं। थोड़ा सा और ध्यान से सुननी है बात, इज ए पॉलीनोमियल, इसको हम पी एक्स के नाम से डिनोट करते हैं, पी एक्स। काफ़ी दसवीं में इस तरह के सवाल देखे थे हमने पी एक्स, बोले अभी पी वन बताओ, तो पी वन तो 2 के बराबर हो जाता है जैसे एक्स बराबर 1 रखने पर। इसमें ये ध्यान रहे कि भाई सबसे बड़ी पावर की जो टर्म है ना उसके ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे इसमें एन जो है वो लार्जर है, लार्जेस्ट लेवल की सबसे, क्योंकि और तो 1, 2, 3 घटाते गए हम, तो सबसे बड़ी वाली पावर वाली जो टर्म है उसको हम लीडिंग टर्म बोलते हैं, लीडिंग टर्म ए नोट एक्स रेज टू पावर, उसका जो कोफिशियंट है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। हेयर लीडिंग टर्म इज दिस, सो ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी जीरो हो सकते हैं। जैसे मान लिया बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये लिख दी, और यदि मैंने a को जीरो कह दिया तो फिर तो x की 2 ही खत्म हो गई, क्वाड्रेटिक कहाँ रही वो। जैसे लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब ये है,
और मान लिया है मैंने इसको गुणा में जीरो डाल दिया और कह दिया कि पी एक्स, तो ये तो खत्म हो गई, तो कहाँ रही लीनियर, ये तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होता है वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसलिए द टर्म विच लीड्स द पॉलिनोमियल द कोफिशियंट ऑफ दैट टर्म इज नॉट जीरो। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। दूसरा, और बाकी जो ए वन ए टू ए थ्री कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट होंगे वो, एंड ए वन ए टू ए थ्री आर रियल कॉन्स्टेंट या रियल नंबर्स भी बोल लें, या आर्बिट्रेरी नंबर बोलते हैं इनको, और डिस्कस करेंगे भी आर्बिट्रेरी और वेरिएबल में अंतर क्या है रियल नंबर। फिर बोले कि भी और भी कुछ अज्ञात दिख रहे हैं इसमें, जैसे अन है, तो अन हम यहाँ बोलेंगे दिस विल बी नेचुरल नंबर्स, यानी एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एंड यहाँ भी जैसे घटते घटते एक्स के ऊपर पावर जीरो आ गई, आर रियल या होल नंबर्स भी चलेगा। होल का मतलब है कि भी इसके ऊपर पावर यदि जीरो आ जाए तो ये भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आता है, जैसे ये आया, तो इसको भी हटा करके यहाँ थोड़ा सा सावधानी रख ली कि भी सारे के सारे ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है भी। तो इतनी सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए तो अब हमने वो पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, और लिख लें कोई भी एक्स पावर, मान लिया एक बटे दो, तीन, दो लिख, एक बटा दो लिख दिया और प्लस पाँच एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स के ऊपर जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक खासियत ही है, एक करेक्टरिस्टिक्स ही कम पड़ जाएगी तो उस कैटेगरी के का नहीं एक्सप्रेशन, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जैसे अभी लिखा था, तो एक्स के ऊपर पावर माइनस वन है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बार बार दसवीं में बोलते हैं, तो इसमें क्या विशेषता, ये ध्यान रहे कि भी ए इज नॉट जीरो, बी एंड सी मे बी एनी रियल नंबर, एंड पावर कैन बी सीन इन नंबर सिस्टम, टू रेज टू पावर वन, हेयर एक्स पावर जीरो, ठीक है ना भाई। एक जो पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर, जैसे ये है, तो यहाँ लिखे भी y इज इक्वल टू ए, इसको हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जो पॉलिनोमियल और है उसकी कैटेगरी से इसको हटा दिया गया। चलो इन्वॉल्व कर लेते हैं, मैं अधिगराई में ना जाएं, तो दीज आर ऑल पॉलिनोमियल विच कंप्लीट्स दिस क्राइटेरिया, दिस करेक्टरिस्टिक शुड बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन, तो इन दिस केस दिस विल बी पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। तो हम जो भी पॉलिनोमियल हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके बारे में दसवीं में हमने जो स्ट्रेट लाइन डिस्कस की करी थी कि भी एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव या फाइव एक्स प्लस कोई भी, जैसे y, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा, ये इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल, बिल्कुल, इसको मैंने पी एक्स के बराबर बोल दिया, मैथमेटिकली लिखने के ढंग है ये, तो या मैं इसको y के बराबर, तो y और x का मतलब क्या हुआ कि भी मैं कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है मेरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आकर के मैं इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखूंगा कि भी किस प्रकार की इसकी, इसका ग्राफिक ग्राफ बनता है, जैसे x की वैल्यू डालता जाऊंगा मुझे y मिलती जाएगी जो कि पॉइंट, और पॉइंट फिर वेरी करके चल चल के किस प्रकार की ग्राफ देगा ये, ठीक है इसके बारे में। अब ये हम देख ही चुके हैं कि भी ये जीरो कब होता है, तो बराबर जीरो के लिए इसका रूट निकाल देंगे, हाँ काट के निकलेगा, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन होती चली जाएगी, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो वाई उस पर डिपेंडिंग वैल्यू आ जाएगी। मेन बात आती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, लगातार प्लस वन और टू में इसका डिस्कशन बार बार आता रहेगा, तो हम कंप्लीट इसका डिस्कशन कल करेंगे।